हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 4 पाठ 9 दीप जले पाठ इस कविता का गायन करेंगे, ठीक है? अब जो ये दीप जले, मतलब हम दीप कब जलाते हैं, तो यह जो है दीपावली के पर्व के समय में हम जो है दीप जलाते हैं। अब दीपावली के संबंध में एक कहानी है कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद, है ना, रावण को मारकर वो अयोध्या वापस लौटे थे, और उनकी इसी खुशी के कारण से गांव के सभी लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे के पास दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। जिससे क्या हुआ था कि चारों तरफ जो अंधेरा था वो उजाले में बदल गया। सभी के घर के दरवाजे के सामने दिए जलाए गए, और इस तरह से फिर हजारों साल की यह जो परंपरा है वो अभी तक के मनाई जाती है, और इसे हम मनाते आ रहे हैं। हमारे भी घरों में दिवाली के समय में, एक तो ये अमावस्या का समय होता है, चांद नहीं होता है ना, तो क्या करते हैं हम सभी अपने घर के दरवाजों पर, छतों में दिए जलाकर उजाला करते हैं। और यह जो है, यह जो त्यौहार है वह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी त्यौहार है ना। कि रावण क्या था, वो बहुत ही बुरा था, वह अत्याचार करता था, लेकिन उसकी बुराई का अंत करने के लिए, है ना, श्री रामचंद्र जी जो है उनका संहार किए, और इस तरह से यह बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। यह जितने भी हम त्यौहार मनाते हैं, यह सभी जो है परस्पर प्रेम और सहयोग का संदेश देता है, ठीक है? तो आज हम इस कविता का गायन करेंगे, ठीक है? कविता इस तरह है। दीप जले द्वारे द्वार, दीप जले गाँव गाँव, बगिया की छाँव छाँव, द्वारे पे आंगन में धूम मची ठाँव ठाँव, आओ रे गाओ रे ढोलक पे नीम तले। दीप जले द्वारे द्वार दीप जले, नन्हे से दीप ये नेह के उजारे हैं, मावस के चंदा हैं, राह के सहारे हैं, रात के समुंदर में तारों की नाव चले। दीप जले द्वारे द्वारे दीप जले, दानव की हार का मानव की जीत का, दीपों का पर्व है जन जन की प्रीति का, भेदभाव भूलो रे आपस में मिलो गले। दीप जले द्वारे द्वारे दीप जले, द्वारे द्वारे दीप जले। अच्छा बच्चों, मैंने ये कविता जो है गायन करके आप लोगों को बताया है, वो इसलिए बताया है कि ये जो कविता है आपको जल्दी से आसानी से याद हो जाए, क्योंकि कभी कभी 4 लाइन की कविता लिखो या 8 लाइन की कविता लिखो ऐसा आता है, और कई बार याद नहीं कर पाते, तो गीत के माध्यम से हम उसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम जो है इस पद्यांश का अर्थ समझेंगे, जो कविता है उसका अर्थ समझेंगे, और जो भी कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ भी समझते जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब हम इस जो ये जो पद्यांश है, जो कविता है, इसका अर्थ समझेंगे, ठीक है? इसमें है कठिन शब्द जैसे है द्वार, द्वार मतलब दरवाजा, ठीक है? बगिया मतलब बगीचा, और ठाँव का मतलब होता है जगह, तले का मतलब होता है नीचे,
अच्छा बच्चों, तो इस कविता में सबसे पहले हमें लिखना रहता है संदर्भ। ठीक है, हमें क्या लिखना रहता है? संदर्भ। तो संदर्भ में सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ या पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ 9 दीप जले से ली गई है। ठीक है, इसके बाद है प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे, क्योंकि इसमें पूरे दीपावली का ही वर्णन किया गया है, तो प्रसंग में लिखना है प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में दीपावली की रात्रि का वर्णन किया गया है। ठीक है, दीपावली की रात्रि का वर्णन किया गया है। अब इसका अर्थ है ना, अब हम अर्थ में आते हैं। अर्थ इसका होगा जैसे दीप जले द्वार द्वार दीप जले। तो कवि कहते हैं कि, अर्थ में हम लिखेंगे कवि कहते हैं कि दीपावली की रात सभी जगह दीपक जल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि ये दो लाइन का बता रही हूँ, दीपावली की रात सभी जगह दीपक जल रहे हैं। ठीक है, द्वार द्वार दीप जले मतलब सभी के दरवाजे पर दीपक जल रहे हैं। दीप जले गांव गांव बगिया की छांव छांव। यहाँ पर लिखेंगे कि सभी गांव में बगीचे में है ना, सभी गांव में बगीचे में और दरवाजे पर, द्वारे पर मतलब दरवाजे पर, आंगन में सभी जगह दीपक जल रहे हैं। धूम मची ठाँव ठाँव, सभी जगह धूम मची हुई है। यहाँ इसका अर्थ क्या लिखेंगे हम, सभी जगह धूम मची हुई है। और कवि कहते हैं कि सभी, ठीक है ना, आओ रे गाओ रे ढोलक पे नीम तले, सभी जो है नीम के पेड़ के नीचे आओ। ठीक है, सभी नीम के पेड़ के नीचे आओ और ढोलक बजाकर गाना गाओ। ठीक है, इसका हम क्या लिखेंगे, आओ रे गाओ रे का, कि सभी जो है नीम के पेड़ के नीचे आओ और ढोलक बजाकर गाना गाओ। सभी के घर के दरवाजों पर दीपक जल रहे हैं, इसका हम लिखेंगे दीप जले द्वार द्वार दीप जले का, कि सभी के घर के दरवाजे पर दीपक जल रहे हैं। सभी के घर के दरवाजे पर दीपक जल रहे हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, कवि कहते हैं कि सभी के घर के दरवाजे पर दीपक जल रहे हैं। यह दीपक सभी गांव में बगिया में दरवाजे पर आंगन में जल रहे हैं और सभी जगह धूम मची हुई है। ठाँव का मतलब जगह होता है ना, और सभी जगह धूम मची हुई है। कवि कहते हैं कि सभी नीम के पेड़ के नीचे आओ और ढोलक बजाकर गाना गाओ। सभी के घर के दरवाजे पर दीपक जल रहे हैं। अब हम दूसरी पंक्ति देखते हैं, ये वाला है। इस पद्यांश में क्या बताया गया है ना, तो नन्हे से यहाँ पर जो है दीप है, नन्हे से दीप ये नेह के उचारे हैं। इसमें जो कठिन शब्द है वो देख लेते हैं। नन्हे मतलब छोटे से, नेह मतलब स्नेह प्रेम, मावस का मतलब है अमावस्या, राह मतलब रास्ता और तारे मतलब जो
तारे दिखाई देते हैं हमको आकाश में, वो ठीक है। समुंदर मतलब समुद्र। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। नन्हे से दीप ये, इसमें भी जो संदर्भ और प्रसंग है, है ना, वो जो हम पहले बोले थे वही है। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ 9 दीप जले से ली गई है। और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में दीपावली की रात्रि का वर्णन किया गया है। इसमें जो भी कविता है उसमें हम यही वाला प्रसंग और संदर्भ लिखेंगे। और अब मैं इसका अर्थ बता रही हूँ, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि नन्हे से दीप ये नेह के उजारे हैं। कवि कहते हैं कि यह नन्हा छोटा सा दीपक प्रेम और सहयोग की भावना का प्रसार करता है, ठीक है। यह जो छोटा सा दीपक है प्रेम और सहयोग की भावना को बताता है। मावस के चंदा हैं, राह के सहारे हैं। और यह दीपक अमावस्या का चांद है। हम जो दीपक जलाते हैं वह जो है अमावस्या का चांद है। और यह राह के सहारे हैं, मतलब यह जो दीपक है वो हमें रास्ता दिखाने वाला है। यह दीपक हमें रास्ता दिखाने वाला है। फिर यहाँ पर कवि जो है कल्पना करते हुए कहते हैं कि, है ना, अब यहाँ पर कवि जो है कल्पना करते हुए कहते हैं कि यह जो है ऐसा दिखाई पड़ रहा है, यह दीपक जो है ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो रात रूपी समुद्र में तारों की नाव चल रही है। यह जो रात है वह क्या है, समुद्र है। और इस समुद्र में जो जैसे तारे दिखाई देते हैं ना, तो ये तारों की नाव चल रही है ऐसा दिखाई पड़ रहा है। फिर कहते हैं कि सभी के घर के दरवाजे पर दीपक जल रहे हैं। एक बार फिर से इसको मैं बता रही हूँ। अर्थ हम लिखेंगे, कवि कहते हैं कि यह छोटा सा दीपक प्रेम और सहयोग की भावना का प्रसार करता है। यह दीपक, है ना, मावस के चंदा हैं, राह के सहारे हैं। यह दीपक अमावस्या का चांद है और यह राह को दिखाने वाला है। रात के समुंदर में तारों की नाव चले, यहाँ पर कवि कल्पना करते हुए कहते हैं, है ना, कवि कल्पना करते हुए कहते हैं कि दीपक ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो रात रूपी समुद्र है और उस समुद्र में तारों की नाव चल रही है। रात रूपी समुद्र है और तारों की नाव चल रही है। फिर कहते हैं कवि कि सभी के घर के दरवाजे पर दीपक जल रहे हैं। इस कविता में कवि ने समुद्र मतलब रात को क्या माना है, समुद्र माना है, ठीक है। जो कल्पना किया हुआ है वह बता रही हूँ कि रात को एक समुद्र माना है। यदि हम रात में किसी समुद्र के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो समुद्र तो दिखाई देगा ही नहीं, वो पूरा क्या रहता है, अंधेरा। लेकिन उसमें जो नाव चलती है, वो नाव जो है, क्योंकि नाव तो जो जहाज़ होते हैं वो बहुत दूर दूर में होते हैं, तो वो सिर्फ उस समुद्र में एक तारे के जैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पे कवि ने कल्पना यह किया है कि यह जो है रात का क्या है, समुद्र है। समुद्र बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है, तो ये रात भी क्या है, है ना, बहुत दूर तक फैला हुआ ही रहता है। लेकिन जो ये दिए जल रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो ये इस रात में वो क्या है, तारे के जैसे जो है दिखाई दे रहे हैं और यह तारों की नाव चल रही है, इस तरह दिखाई दे रहा है। अगली पंक्ति है, ठीक है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग जो है पुराना वाला ही रहेगा। संदर्भ में आएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ 9 दीप जले से ली गई है। प्रसंग में लिखना है कि इस
पद्यांश में या प्रस्तुत कविता में दीपावली की रात्रि का वर्णन किया गया है। अब इसमें हम कठिन शब्द देख लेते हैं। दानव का मतलब होता है राक्षस, ठीक है। यहाँ पर जो दानव है इसका मतलब है राक्षस। पर्व का मतलब है त्यौहार, ठीक है, पर्व का मतलब है त्यौहार। और द्वार द्वार मतलब दरवाजे पर। प्रीति का मतलब है प्यार। जन मतलब लोग, ठीक है। अब हम इसका अर्थ समझते हैं, ठीक है। कवि कहते हैं कि यह जो त्यौहार है, यह जो पर्व है ना, दानव की हार का, मानव की जीत का, यह त्यौहार राक्षस की हार का और मनुष्य की जीत का पर्व है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। फिर दूसरे लाइन में, दीपों का पर्व है जन जन की प्रीति का। यह जो है त्यौहार जो है दीपों का त्यौहार है और यह पर्व आपसी प्रेम भाव को बढ़ाने का है। यह आपसी प्रेम भाव को, लोगों के प्रेम भाव को, सहयोग को बढ़ाने का त्यौहार है। फिर है, भेदभाव भूलो रे, आपस में मिलो गले। कवि कहते हैं कि आपस में जो भेदभाव है, जो बुराइयां हैं, उनको हमें भुलाकर एक दूसरे से गले मिलना चाहिए। कवि इसमें कहते हैं कि आपस में भेदभाव को भुलाकर, जो भी गलतियां हुई है उन्हें भूलकर, एक दूसरे से हमें गले मिलना चाहिए। और इस पावन पर्व पर, दीपावली के इस पावन पर्व पर, द्वार द्वार पर, सबके दरवाजे पर दीपक जल रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कवि इसमें कहते हैं कि यह दीपावली का त्यौहार राक्षस की हार का और मनुष्य की जीत का त्यौहार है। अर्थात यह जो पर्व है वह बुराई पर अच्छाई की जीत है। दीपों का पर्व है जन जन की प्रीति का। यह दीपावली का पर्व आपसी प्रेम भाव को बढ़ाने का त्यौहार है। भेदभाव भूलो रे, आपस में मिलो गले। हम यहाँ पे लिखेंगे, कवि कहते हैं कि आपस में भेदभाव को भुलाकर हमें एक दूसरे से गले मिलना चाहिए। दीप जले द्वार द्वार दीप जले। इस दीपावली के पावन पर्व पर सभी के घर के दरवाजे पर दीपक जल रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब हम पाठ 9 के जो प्रश्न और अभ्यास है उनको हल करेंगे, ठीक है। उनका उत्तर समझेंगे कि क्या आएगा। प्रश्न नंबर पहला है, तुम दीपावली में क्या क्या करते हो, है ना। प्रश्न नंबर पहला कि तुम दीपावली में क्या क्या करते हो, तो इसका मतलब हम जो दीपावली में जो जो काम करते हैं वो हमें लिखना है। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें, दीपावली में हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, घरों एवं गलियों में दीपक जलाते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यह त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, दीपावली में हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, नए नए वस्त्र या कपड़े पहनते हैं, घरों एवं गलियों में दीपक जलाते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यह त्यौहार बड़े हर्ष के साथ मनाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, दीपावली पर प्रकाश करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं।
दीपावली पर प्रकाश करने के लिए दीपक, मोमबत्ती एवं छोटे छोटे बल्बों की झालर लगाई जाती है। ठीक है, दीपावली पर प्रकाश करने के लिए दीपक, मोमबत्ती एवं छोटे छोटे बल्बों की झालर लगाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, दीपक को कविता में मावस का चंदा क्यों कहा गया है? ठीक है ना, उसे जो है इस कविता में जो दीपक है उसे अमावस का चांद कहा गया है, तो क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखाई देता है, अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखाई देता है, इसलिए दीपक को कविता में मावस का चंदा कहा गया है, इसलिए दीपक को कविता में मावस का चंदा कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, कविता में से वह पंक्ति लिखो जिसमें दीपक को मार्ग दिखाने वाला बताया गया है। तो दीपक को मार्ग बताने वाला जो दिखाया गया है वह कौन सा है? तो वह जो पंक्ति है वह है राह के सहारे हैं। हमें उत्तर में क्या लिखना पड़ेगा? राह के सहारे हैं। ठीक है, भेदभाव भूलकर परस्पर प्रेम से रहने का बोध कराया गया है। ख में जो है ख के लिए है कि भेदभाव भूलकर, है ना, परस्पर प्रेम से रहने का बोध किस पंक्ति में कराया गया है? तो इसके लिए आएगा भेदभाव भूलो रे, आपस में मिलो गले। ठीक है, भेदभाव भूलो रे, आपस में मिलो गले। इसके बाद 3rd है, ग वाला, लोगों को मिलकर गाने बजाने के लिए आमंत्रित किया गया है, ऐसी पंक्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर आएगा, आओ रे, गाओ रे, ढोलक पे नीम तले। आओ रे, गाओ रे, ढोलक पे नीम तले। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है, है ना? तो प्रश्न नंबर 5 में है, यहाँ पे पहला है और इस पहले का आंसर 2 अक्षर वाला रहेगा, गले मिलने और सेवई खाने का त्यौहार, ऐसा त्यौहार जिसमें गले मिलते हैं और सेवई खाते हैं, तो ये वह त्यौहार कौन सा है? तो यहाँ पर हमको इस खाने में लिखना है द, तो ये होगा ईद, हम लिखेंगे ईद। ईद में क्या करते हैं? गले मिलते हैं और यह इसमें जो है सेवई जो है बनाया जाता है, ये सेवई खाने का त्यौहार है। अब है दूसरा, अब ये जो दूसरा है यहाँ पर दूसरा डला हुआ है, ये क्लू दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि रावण दहन का त्यौहार। तो रावण दहन का त्यौहार क्या कहलाता है? द से शुरू होगा, ह लिखा हुआ है, मतलब 2 वर्ण आपको और लिखने हैं। तो रावण दहन का त्यौहार है दशहरा, तो 2nd वाले में आएगा श और ह के बाद आएगा रा, तो इस तरह से हो जाएगा दशहरा। अब है कि तीसरा 2 अक्षर वाला रहेगा, है ना, और इसमें है बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, क्या बांधती है? राखी। तो रा तो लिखा है ना, अभी हमने लिख लिया, सिर्फ खी यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा राखी। अच्छा बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें है, तुम और कौन कौन से त्यौहार मनाते हो उसके बारे में तालिका में लिखो। ठीक है, दीपावली का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं रक्षाबंधन, है ना, पहला में लिख सकते हैं रक्षाबंधन। ठीक है, अब इस रक्षाबंधन में हम क्या क्या करते हैं? ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि इसमें क्या क्या करते हैं। तो रक्षाबंधन के बारे में हम लिख सकते हैं कि इस दिन बहन
अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, पहला हो गया। दूसरे में है दशहरा, जो इसमें दिया हुआ है उसको भी हम डाल सकते हैं ना, दूसरे में हम लिख सकते हैं दशहरा, यह भी त्यौहार का नाम है। इस दिन मेघनाथ, कुंभकर्ण तथा रावण के पुतले का दहन करते हैं। इस दिन मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले का दहन करते हैं, ठीक है। तीसरे में है दिवाली, ठीक है। दिवाली में हम क्या क्या करते हैं इसके बारे में क्या लिखेंगे कि इस त्यौहार में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, घर में सभी तरफ दिए जलाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, घर में सभी तरफ दिए जलाते हैं। चौथे में हम क्या लिखेंगे, होली, ठीक है। अब होली में हम क्या लिख सकते हैं, लकड़ी इकट्ठा करके रात में होलिका दहन करते हैं, फिर सुबह रंग गुलाल से खेलते हैं। लकड़ी इकट्ठा करके रात में होलिका दहन करते हैं, फिर सुबह रंग गुलाल खेलते हैं। अच्छा, पांचवा है हरेली, है ना। हरेली में हम इस त्यौहार में हम क्या क्या करते हैं, है ना। तो इस त्यौहार में हम कृषि औजारों की पूजा करते हैं और चीला बनाते हैं, बांस की लकड़ी का गेड़ी बनाकर उसमें चढ़कर घूमते हैं, ठीक है। हरेली त्यौहार में कृषि औजारों की पूजा करते हैं, चीले का प्रसाद चढ़ाते हैं और बांस की लकड़ी का गेड़ी बनाकर उसमें चढ़कर घूमते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम अगला इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी मतलब उसका मायने लिखना है। दानव का मतलब होता है राक्षस, दानव यानी राक्षस। मानव यानी मनुष्य, मानव यानी मनुष्य। राह यानी होता है रास्ता, राह यानी रास्ता। दीप यानी दीपक। पर्व यानी त्यौहार, पर्व यानी त्यौहार। इसी तरह से प्रश्न नंबर दो है भाषा तत्व और व्याकरण में विलोम शब्द। मानव का विलोम दानव। इसी प्रकार से अन्य शब्दों का विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द या उसे उल्टा शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो रात का होगा दिन, मावस का होगा पूर्णिमा, जलना का विलोम होगा बुझना, हार का विलोम होगा जीत, प्रीति का विलोम होगा अप्रीति, प्रीति का अप्रीति। अब है तीसरा, नीचे कोष्ठक में दिए गए हैं कुछ शब्द, समान उच्चारण वाले शब्दों को अलग अलग और उसे एक समान एक एक शब्द याद करके लिखना है, है ना। तो इसमें जो समान ध्वनि वाले हैं, जैसे यहाँ पर है जीत, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, लास्ट में ता होना चाहिए, तो ऐसा वाला शब्द हमें ढूंढना है। तो जीत के साथ साथ क्या हो सकता है, जीत के जैसे समान ध्वनि मीत, सीत, ठीक है, और एक है इसमें यही तीन आएंगे इसमें, जीत, मीत और सीत, ठीक है। अब उसके बाद है
द वाला हो गया। अब हम देखते हैं दीप वाला, दीप में क्या क्या आएगा, लास्ट में जो अंतिम अक्षर है वो प वाला होना चाहिए। दीप हो गया, सीप और जीप, दीप सीप जीप, है ना। और एक हमको अपने मन से बनाना है, तो हम क्या बना सकते हैं उसको, लीप, हम एक बना सकते हैं लीप। और इसी तरह से त वाले में हम एक जोड़ के बना सकते हैं नीत, ठीक है। अब अगला है कि रा जोड़ के शब्द बनाना, ठीक है, रा वाले में। तो एक तो दिया है तारा, फिर है सारा, फिर है कारा, एक हमको बनाना है, तो क्या बना सकते हैं, पारा। हम क्या बना सकते हैं, पारा, एक शब्द हमको उसी समान ध्वनि वाला बनाना है। अब इसके बाद है ज, ठीक है, ज से जुड़े शब्द, है ना, ज से जुड़ा अक्षर वाला, तो ज वाला देखते हैं। एक है आज, फिर है काज, फिर है नाज। इसी तरह से हम क्या बना सकते हैं, गाज, गाज बना सकते हैं, ठीक है, हम क्या बना सकते हैं, गाज बना सकते हैं। अब देखते हैं, अब कौन सा वाला बच गया, ह वाला, है ना, ऐसा शब्द जिसमें अंत में क्या आना चाहिए, ह आना चाहिए, और एक समान ध्वनि वाले बनाना है, नेह गेह मेह। और हम एक क्या बना सकते हैं, देह। इस तरह से हमारा ये जो है समान ध्वनि वाले शब्द बन गए। रचना है कि रोशनी करने के लिए तुम कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हो उनके चित्र बनाओ, मतलब हम उजाला करने के लिए क्या क्या चीज़ उपयोग करते हैं और उसका हमें चित्र बनाना है। जैसे हम इसमें बना सकते हैं दिया, मोमबत्ती, बल्ब, ठीक है, या फिर जो झालर रहता है वो बना सकते हैं और उसका चित्र बनाना है। ओके, बाय।